तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हो गया नया वीडियो में। आप में जो जो ट्रेडर इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए मैं आज ये वीडियो लाया हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको ऐसा स्टॉक की जरूरत है जो स्टॉक में उतार चढ़ाव हो रहा है, मतलब जो स्टॉक या तो ऊपर जा रहा है नहीं तो नीचे आ रहा है। जो स्टॉक साइडवेज चल रहा है उसमें तो आपको ट्रेड करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें तो कोई मूवमेंट होगा नहीं। तो आज ये वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे आपको भी ऐसा स्टॉक मिले, एक छोटा सा स्क्रीनर यूज करके आप भी ऐसा स्टॉक ढूंढ सकते हैं जिस स्टॉक में उतार चढ़ाव होगा और जो स्टॉक ज्यादा ऊपर में जाता है या नीचे आने के टाइम पे भी ज्यादा नीचे आता है। मतलब ऐसा स्टॉक्स तो आपने देखा है ना कि दिन में 5-5, 10-10% मूव करता है, तो वैसे स्टॉक आपको कैसे मिलेगा एक छोटा सा स्क्रीनर यूज करके फ्री। ये स्क्रीनर के लिए आपको कोई पैसा भी देने का जरूरत नहीं है। तो फ्री एक स्क्रीनर यूज करके कैसे ऐसे स्टॉक आप ढूंढ सकते हैं, ये वीडियो में मैं आपको वही दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक देखिएगा, मैं आपको लेके चलता हूं वो स्क्रीनर साइट में। मगर दोस्तों उसके पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये जो स्क्रीनर वेबसाइट है इसका नाम है टिकर टेप। मैं स्पेलिंग करता हूं TICKERTAPE.IN, TickerTape.IN। तो ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वहीं से आप डायरेक्टली ये वेबसाइट में आ सकते हैं और यहाँ पे आप स्क्रीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देखिएगा टिकर टेप वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है और वहीं पे एक ड्रॉप डाउन मेनू भी है, तो वहीं पे क्लिक कीजिए। तो पहला जो मेनू आता है वो है स्क्रीनर, तो हम लोग स्क्रीनर में जाएंगे, तो यहीं पे क्लिक करते हैं। तो हम लोग आ गए टिकर टेप स्क्रीनर में। यहीं पे देखिए अगर आप अपना स्क्रीनर बनाना चाहते हैं, जैसे मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे स्क्रीन बना सकते हैं, तो ये न्यू स्क्रीन में जाके आप स्क्रीन बना सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। तो आप बाद में ये वेबसाइट में आके फिर से वो स्क्रीन को देख सकते हैं। तो अगर नया स्क्रीनर बनाना है और उसको सेव करना है तो ये वेबसाइट में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन ऑप्शन है, तो लॉगिन में मैं क्लिक करता हूँ। देखिए यहीं पे आप गूगल, फेसबुक और नहीं तो अपना ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं और नहीं तो आप अपना ब्रोकर से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहीं पे देखिए जीरोधा, एक्सिस डायरेक्ट, 5paisa, HDFC सिक्योरिटीज, एलिस ब्लू और 5 more ब्रोकर, IIFL सिक्योरिटीज, कोटैक सिक्योरिटीज, ट्रस्ट लाइन, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग, ये सारे ब्रोकर से आप डायरेक्टली ये वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें मेरा जो पार्टनर ब्रोकर से है जीरोधा, 5paisa, एलिस ब्लू, IIFL सिक्योरिटीज, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग, इन सारे ब्रोकर का अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नहीं तो आप आई बटन को भी चेक कर सकते हैं। तो वहीं से आप कोई भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करके डायरेक्टली टिकर टेप वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जीरोधा के साथ लॉगिन करता हूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ जीरोधा में। तो यहीं पे देखिए लॉगिन टू कंटिन्यू आ गया, कंटिन्यू विद जीरोधा। तो यहीं पे डायरेक्टली टिकर टेप से आप डायरेक्टली ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, तो मैं तो कंटिन्यू विद जीरोधा करता हूं। यहां पे देखिए दोस्तों ये मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, तो यहीं पे मैं लॉगिन करता हूं। देखिए मेरा 2FA पिन मांग रहा है, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। तो देखिए दोस्तों मैं ऑलमोस्ट लॉगिन कर लिया, ये पेज ओपन हो रहा है। तो देखिए अभी मैं लॉगिन हो गया ये टिकर टेप वेबसाइट में, तो अभी मैं नया स्क्रीन बना सकता हूँ और उसको सेव भी कर सकता हूँ। तो मैं ये जो ऑप्शन है न्यू स्क्रीन, ये ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे न्यू स्क्रीन ऑप्शन आ गया, इसमें आपका कोई फिल्टर अप्लाइड नहीं है अभी तक। तो मैं जो करता हूँ स्टॉक यूनिवर्स, कौन सा स्टॉक को मैं चूज करूंगा उसी को मैं सिलेक्ट करता हूं।
तो क्लिक कीजिए वहीं पे। आप देखिए निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी 100 और टू मोर्स है यहाँ पे, देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी 500। ये सारे स्टॉक्स है आपका, आप इसमें से कोई भी स्टॉक चूज़ कर सकते हैं और नहीं तो कस्टम स्टॉक भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं अभी जो करता हूँ, मैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 को ले लेता हूँ, क्योंकि आप अगर स्मॉल कैप स्टॉक लीजिएगा तो ज़्यादा मूवमेंट तो स्मॉल कैप में ही होता है, आपका लार्ज कैप स्टॉक इतना मूव कहाँ पे करता है। आप देखिए कोई भी अगर 5% भी या 10% वाला आपको मूव चाहिए तो उसमें आपको स्मॉल कैप स्टॉक ही ढूंढना पड़ेगा। तो मैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में जो भी स्टॉक है मैं उसको ले लेता हूँ। और दोस्तों देखिए सेक्टर, सेक्टर को मैं अभी छोड़ देता हूँ, कोई भी सेक्टर मैं ऐसे चूज नहीं कर रहा हूँ। और देखिए मार्केट कैप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 0.002134726.3 crores, ये मार्केट कैप है, तो मैं इसमें स्मॉल कैप ही लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये आ गया 0 to 5000 crore, तो मतलब 5000 crore के नीचे ये सारे स्टॉक्स का मार्केट कैप है। और हम लोग तो वैसे ही चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगेगा स्मॉल कैप स्टॉक जिसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा, तो डे ट्रेडिंग के लिए वही सारे स्टॉक अच्छा है। और देखिए दोस्तों इसके बाद है क्लोज प्राइस, तो उसको हम लोग क्लिक करते हैं। इसमें भी हम लोगों को लो क्लोज प्राइस का स्टॉक लगेगा, तो हम लोग इसको लो में क्लिक करते हैं। तो इसमें देखिए 100 रुपया तक जो भी स्टॉक है आ गया। और इसमें एक छोटा सा फिल्टर मैं अप्लाई करता हूँ, मैं ये जो 0.12 मतलब 12 पैसे से जो चालू होता है इसका लेवल, तो 12 पैसे से 100 रुपया तक, तो मैं इसको ना 50 रुपया कर देता हूँ, तो एकदम छोटा सा स्टॉक मेरे को नहीं लगेगा। तो 50 रुपये से 100 रुपये का जो भी स्टॉक है मैं उसको ले लेता हूँ। तो इसको मैं 50 करके मैं एक एंटर दबा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों अभी मेरा लिस्ट छोटा हो गया। तो अभी देखिए दोस्तों मेरे पास आ गया निफ्टी स्मॉल कैप 100 का स्टॉक, जिसका देखिए मार्केट कैप भी स्मॉल कैप ही है, 0 to 5000 crore। तो इसमें जो स्टॉक का प्राइस देखिए क्लोजिंग प्राइस 50 से 100 के अंदर में है, वो सारे स्टॉक अभी यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए इसमें आ गया इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड और ओमैक्स लिमिटेड। तो दोस्तों ये सारे स्टॉक देखिए, इंजीनियर्स इंडिया प्राइस है 76.80, इरकॉन इंटरनेशनल प्राइस है 89.15, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इसका प्राइस है 75, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इसका प्राइस है 55.95, इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड इसका प्राइस है 69.05 और ओमैक्स लिमिटेड इसका प्राइस है देखिए दोस्तों 85.30। तो ये सारे स्टॉक्स मिड कैप से है और इसमें आपका प्राइस भी 50 रुपये से 100 रुपये के अंदर में है। तो ये सारे स्टॉक्स दोस्तों आप डे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट होगा। और अभी हम लोग देखते हैं इसमें किसका रिलेटिव वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो वो स्टॉक और भी मूव करेगा। तो इसमें हम लोग और एक फिल्टर ऐड करते हैं, मैं जाता हूँ फिल्टर में। इसमें देखिए सर्च फॉर फिल्टर्स ऑप्शन है, तो इसमें हम लोग ऐड करते हैं, देखिए रिलेटिव वॉल्यूम बोल के एक ऑप्शन है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। इसमें देखिए 10 डेज एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द लास्ट 91 डेज एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम, इसको मैं डन करता हूँ। तो देखिए रिलेटिव वॉल्यूम ऑप्शन आ गया दोस्तों, इसमें मेरे को हाई रिलेटिव वॉल्यूम लगेगा। तो दोस्तों यहीं पे देखिए मेरा दो स्टॉक अभी आ गया, ये है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका क्लोजिंग प्राइस है 89.15, और दूसरा है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और नहीं तो RCF के नाम पे भी जाना जाता है, उसका क्लोजिंग प्राइस है 55.95। तो यहीं पे देखिए आपका रिलेटिव वॉल्यूम भी ज़्यादा है और ये सारे स्टॉक स्मॉल कैप से है, तो इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट होगा ये हम लोगों को उम्मीद है। तो ये सारे स्टॉक दोस्तों आपका
डे ट्रेडिंग के लिए सही होगा। तो आप ये स्कैन को सेव करके रख सकते हैं, नया नया कौन सा स्टॉक इसमें आता है आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसमें आप अपना ये डे ट्रेडिंग का लिस्ट में नया स्टॉक अगर आ गया ये स्कैन में तो आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है आपका दोस्तों एक दो स्टॉक ये आपका लिस्ट से निकल जाएगा, तो वो स्टॉक को आपका भी लिस्ट से निकालना है। तो अभी दोस्तों चलते हैं जीरोधा काइट में, जहाँ पे मैं देखता हूँ ये दोनों स्टॉक कैसे मूव करता है। तो दोस्तों मैं तो आ गया जीरोधा काइट वेबसाइट में, तो मैं इसमें मेरा पासवर्ड और 2FA से लॉगिन करता हूँ। मैं काइट में लॉगिन कर लिया। तो दोस्तों अगर आपके पास जीरोधा काइट नहीं है तो मैं जीरोधा में ज्वाइनिंग का लिंक, मैंने फिर से बता रहा हूँ, मैं जीरोधा में ज्वाइनिंग का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, और नहीं तो आई बटन में भी मैं जीरोधा में ज्वाइनिंग का लिंक छोड़ दूंगा। तो आप वहीं से जीरोधा में ज्वाइन कर सकते हैं और जीरोधा काइट को ले सकते हैं, और नहीं तो बाकी जो मेरा पार्टनर ब्रोकर्स है उसके साथ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहीं पे ऐड करूंगा इरकॉन इंटरनेशनल को। देखिए इरकॉन इंटरनेशनल आ गया, और दूसरा है RCF। देखिए RCF भी आ गया, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो ये दोनों स्टॉक को मैं डाल दिया यहीं पे जीरोधा काइट में। इसका चार्ट को मैं एक बार खोल के देख लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये इरकॉन का चार्ट है, आप देखिए इसमें जब भी मूव आता है काफ़ी अच्छा मूव होता है, एक अच्छा सा मूव मिलता है यहीं पे। आज भी एक अच्छा सा मूव मिला एकदम सुबह का जो सिग्नल आया था उसमें। और अभी हम लोग RCF का चार्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों RCF में भी एक अच्छा सा मूव था सुबह, तो आप समझ सकते हैं इसमें भी जब मूव आता है काफ़ी अच्छा मूव होता है। तो ये सारे स्टॉक्स में आप ध्यान रख सकते हैं, और जब भी कोई भी अपना अच्छा सा इंडिकेटर लगा के, जैसे मैंने यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा के रखा है, आप सुपर ट्रेंड का सेटिंग को चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा हायर सुपर ट्रेंड कर दीजिए। मेरा तो बहुत ही छोटा सुपर ट्रेंड था, तो आप थोड़ा सा हायर सुपर ट्रेंड कर दीजिए। जैसे डिफ़ॉल्ट आपका 7-3 का जो सुपर ट्रेंड आता है आप 7-3 कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों कैसे मैजिकली इसमें एक एक सिग्नल कैसे आपका, देखिए RCF में कितना बड़ा एक मूव मिला है सुपर ट्रेंड में। तो आप समझ सकते हैं ये RCF आपको काफ़ी अच्छा पैसा देगा। अभी हम लोग इरकॉन इंटरनेशनल में जाते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल में देखिए एक एक सिग्नल, एक सिग्नल आया है आपका, इसमें कितना बड़ा एक मूव मिला। तो आप समझ सकते हैं ये दोनों स्टॉक आपको सिंपल सा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर से भी आप ट्रेड करेंगे आपको काफ़ी अच्छा मूव देगा, और जो भी ट्रेड में आपको अच्छा सा मूव देगा उसके बाद एक दो ट्रेड आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक अच्छा सा मूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता है। तो वैसे आप देखिएगा बड़ा सा एक ट्रेड हो गया तो उसके बाद एक दो ट्रेड को आप छोड़ दीजिएगा। तो आप ये इरकॉन और RCF को काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसा भी दिन आएगा दोस्तों, आप अगर देखेंगे ऐसा भी दिन आएगा जिसमें आपको 5 या 10% का मूव एक साइड में, वन साइड में आपको मिल जाएगा। बाई साइड में भी हो सकता है, सेल साइड में भी हो सकता है, आपको ये दोनों स्टॉक से आपको ऐसे मूव मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसे करके आप नया स्टॉक निकल सकते हैं डे ट्रेडिंग का, जो स्टॉक आपको अच्छा खासा पैसा देगा डे ट्रेडिंग में। तो आप ये तरीका अपना सकते हैं और आप अपना डे ट्रेडिंग का स्टॉक का लिस्ट खुद बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाया कि फ्री टिकर टेप स्क्रीनर यूज़ करके आप कैसे ऐसा स्टॉक ढूंढ सकते हैं जो स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट होता है, जो स्टॉक 5-5, 10-10% ऊपर जाता है या नीचे चलता है। तो वैसे स्टॉक में ट्रेड करके आपको डे ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि ऐसा स्टॉक ही तो आपको चाहिए जो स्टॉक या तो ऊपर जा रहा है नहीं तो नीचे आ रहा है। तो दोस्तों टिकर टेप यूज करने के लिए मैंने जैसे बताया कि जीरोधा का अकाउंट होना जरूरी है, तो जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया, और नहीं तो आप आई बटन को भी चेक कर लेना, तो वहीं से अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा। तो आप अकाउंट ओपन करके ये टिकर टेप स्क्रीनर को भी
फ्री यूज कर सकते हैं। बहुत सारा फीचर इन्होंने फ्री दे के रखा है, तो इसके लिए आपको कोई भी पैसा इन लोगों को देने का जरूरत नहीं है। और दोस्तों, मैं तो ऐसे वीडियो हफ्ते में दो दो बार लाता हूँ, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, तो आपको मेरा ये सारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और दोस्तों, ये टॉपिक के ऊपर अगर आपका मन में कोई प्रश्न है तो मेरे को ज़रूर वीडियो कमेंट्स में पूछ लेना, तो मैं तो हर एक कमेंट्स का आंसर देता हूँ। और अगर कमेंट्स में मैं आंसर नहीं दे पाया, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो मैं कोशिश करता हूँ एक नया वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मेरे को वीडियो कमेंट्स में बता देना, और मैं जब तक ना एक नया वीडियो लाता हूँ फिर से आपके लिए, तब तक के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।